सब चिरानबे में सर सबसे पहले जमीन अधिग्रहण हुआ जी जी और बाद में कोई कोर्ट में गए जी तो 94 में जी कुछ संशोधनात्मक बातें लिखी थी उसको समेट कर मान लिया कि मिल्कियत केंद्रीय सरकार की रहेगी। तब से तो केंद्रीय सरकार की भूमि हो गई जी और उसमें थोड़ा सा केवल लिख दिया गया रिसीवर लेकिन वो तो ओनर है जी। 93 में तो ओनर ही हो गए सर और केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार भी जमीन के स्तर पर ओनर ही है। इसलिए उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में चला है जी वो तो नमाज और मंदिर का है ही नहीं। हाँ हाँ और नमाज कोई जरूरी नमाज के लिए जमीन जरूरी नहीं है, कोई निश्चित ढांचा भी जरूरी नहीं है, मस्जिद जरूरी नहीं है जी। तो जब मस्जिद भी जरूरी नहीं है नमाज के लिए और ये केवल एक संपत्ति के विभाजन ऐसा झगड़ा है उसमें असल मालिक तो केंद्रीय सरकार है जी। तो असल मालिक केंद्रीय सरकार है तो उसको वो पक्षकार होना चाहिए जी। इसलिए अपनी पक्षकारी का दावा तो करे सर। तो उसके कारण क्या होगा कि जितना स्थगन होता है डिले होता है सब होता है तो उससे सरकार आवाज तो उठाए जी जी। और उसके बाद एक छोटा अध्यादेश तो वो ले कर दे जी क्योंकि तो अब तो कुछ नहीं बचा तो जमीन का है अधिग्रहित है ही तो 1994 के जो थोड़े बहुत सुधार हुए थे ना जी उसी में सुधार करते हुए करने के लिए अध्यादेश निकाले कि जनहित में हम इस अधिग्रहित जमीन को जी फलाने ट्रस्ट को देते हैं जी। बस तो इसी आधार पर बन जाएगा फिर। हाँ ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।